हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और कल रात मेरे घर पे एक छोटी सी चिड़िया आई थी, मैं दिखाऊंगा आपको। अभी तो मैंने उसे पानी वानी पिलाया, मम्मी के हाथ पे वो बैठ गई। यार मम्मी के हाथ पे बैठ गई, पानी वानी पिलाया उसे। उसे मैंने छोड़ने की कोशिश करी बट वो नहीं उड़ पाई, तो मैंने सोचा किसी गाड़ी वाड़ी के नीचे आ जाएगी। इससे अच्छा अभी मैं थोड़े एक दो दिन इसे रखूँ, बारिश वारिश हो जाए, आराम से मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर इसे छोड़ेंगे। अभी मेरे को वीकनेस हो रही है तो ग्लूकॉन डी पीते हैं। यार तबीयत इतनी प्रॉपर अभी ठीक हुई नहीं है फिलहाल, अभी थोड़ा बहुत ग्लूकॉन डी वोंडी पीते हैं। फिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी फिर से सही करानी है, उसका बम्पर गिर गया पूरा तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, आगे मिलते हैं ब्लॉग में। फिलहाल ग्लूकॉन डी पीते हैं। यार पानी भी तो बहुत कम लिया मैंने, इतना तो बहुत हो गया। ये चीनी भी मिलाते क्या? शाबाश। गाड़ी से जाने वाले थे और यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। फिलहाल इसमें शायद धक्का मारना पड़ेगा। मारते धक्का भाई, और कर ही क्या सकते हैं। फाइनली इतनी जद्दोजहद, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। पीछे आप देखो पूरा बम्पर लटक रहा है, तो यही हालत हुई थी। और बादल गरज रहे, सो भाई कहीं लेके गए थे तो बम्पर खुद से लटक गया, उनका कहना तो ये है। भाई कोई बात नहीं, मैंने मान ली बात। फिलहाल अब चलते हैं, इसे सही कराते हैं। और आवाज़ आ रही होगी आपको बादलों की गरजने की। तो गाइस फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं भैया के पास। पता नहीं कैसे ही निकल गया साला। सो गाइस चलो यार इसे छोड़ने चलते हैं, देखते हैं। एक तो वो आवाज़ कर रही है, इसे पकड़ते हैं फिर ऊपर छोड़ने चलते हैं। यार यार मेरी शक्ल जब तबीयत ख़राब होने के बाद लगने कैसे लगती है भाई, ऊपर से पिंपल्स, थैंक गॉड, नाइस। तो इसे छोड़ते हैं। सो गाइस अभी हम टेरेस पे आ गए थे छोड़ने के लिए, मैं और किशन भाई। चलो जाओ जाओ जाओ। और भाई वो उड़ना ही नहीं चाह रही, मुझे लग रहा है मेरी फिंगर। तो तुम इसको यहीं छत पर छोड़ दो, डर रही है यार। ये और छत पे छोड़ दो यार, यहीं पे कहाँ जाएगी। आ जा, नहीं तो थोड़ी देर ऐसे रहें, तो थोड़ी देर में आएंगे और देखेंगे क्या कर रही है। को तो उड़ जाओ जाओ। गाइस नहीं रही यार, मैंने बहुत कोशिश करी इसे उड़ाने की। गाइस फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं मेरे नए वाले घर पे, क्योंकि वहाँ पे टंकी वंकी की फिटिंग सब हो गई, बट टैप वैप कुछ रह गया सामान, और कमोड वमोड का थोड़ा सामान, मतलब वॉशरूम का थोड़ा सामान रह गया, वॉशरूम्स का। सो फिलहाल कार से चल रहे हैं नए वाले घर पे। बारिश हो रही है तो थोड़ा मैं भीग गया हूँ, कहीं बाहर से आ रहा था। बाहर से एक्चुअली मैं एक थाने से आ रहा था, इतना डेवलप्ड पुलिस थाना, मतलब बरेली का बारादरी थाना, ज़बरदस्त यार। वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे और सबको देख के तो दिल खुश हो गया। पीछे बनियान बनियान मत देखना भाई, मिडिल क्लास थिंग्स। अरे सच्चे भाई, जो सच्चे वो सच्चे, मिडिल क्लास बॉय आज सुपरस्टार है, पता नहीं ये तो गाना है। घर की गली में आ गए और हालत देखो यार भाई। गाइस फाइनली वी आर हियर एट होम। बच बच के निकलना पड़ रहा है यार रास्ते ही ऐसे। अभी सब काम वाम की बातें चल रही हैं फिटिंग विटिंग की, तब तक मैं आपको मेरे कमरे का व्यू दिखा दूँ, मतलब बाहर से व्यू पॉइंट दिखा दूँ। ये मेरे को बॉल मिली यहाँ पे पेपर की, काम करने थोड़ी आ रहे यहाँ पे, पेपर की बॉल बनाने आ रहे हैं। नाइस, अच्छी है। मैं व्यू दिखाता हूँ जस्ट सेकेंड गाइस। हेवी हो वो बैक कैमरा दिखा, मतलब यहाँ पे नर्सरी है तो सारी ये सब ग्रीनरी है। आई मीन काफ़ी अच्छा है। पानी अपने आप पता लग जाएगा नीचे कैसे प्रेशर जा रहा है क्या पता है।
मैं अभी आया हूँ अपने नए वाले घर पे, क्योंकि यहाँ पे सफाई होनी है और गंदगी बहुत हो रही है, देख रहे हो आप पीछे। तो भैया अंदर सफाई कर रहे हैं, कुछ दिन घर बंद रहा था, काम नहीं हुआ था, अभी स्टार्ट है, काम चल रहा है, जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको अपना नया घर दिखाऊं, गृह प्रवेश हो। तो फिलहाल गंदगी बहुत हो गई और बारिश की वजह से सफाई मांग रहा है घर, तो सफाई करवा रहे हैं। मैं दिखाता हूँ बैक से ही कितना गंदा है। ये देखो भाई, ये हॉल है हमारा, ये भाई साफ कर रहे हैं भैया, और इतना गंदा हो रहा है। गंदा हो रहा है एक्चुअली यार हॉल, क्या हर एक रूम में इतनी ज्यादा गंदगी है, इतनी ये डस्टी डस्ट है हर जगह, ये सब साफ होना है। तो रात में मैंने अराउंड 3-3:30 बजे मैं सोया था, क्योंकि मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था, करते करते टाइम हो गया। फिर एक चूहा पता नहीं कैसे एग्जॉस्ट में फंस गया, और वो बहुत फिर आवाज़ें निकाला, फिर उसे पता नहीं कैसे कैसे मैंने निकाला रात में 3 बजे, फिर जाके मैं सोया हूँ, लेट हो गया था, सुबह जल्दी उठना पड़ा क्योंकि यहाँ के काम भी करवाने हैं यार, और भाग दौड़ नहीं करेंगे तो ये निपटेगा नहीं जल्दी, तो आँखें बंद हो रही हैं मेरी। और फिर घर जाके मुझे रील्स भी शूट करनी है, क्योंकि वो अपना मेन है। तो करते हैं यार, सभी करेंगे कुछ ना कुछ, भगवान सारी चीज़ें करवा देंगे, देखते हैं। भैया के साथ थोड़ा मैं भी लग गया, मैंने भी सफाई करवाई, मतलब करवा रहा हूँ भी, मेरे को स्वेटिंग होने लगती है यार, गर्मी मेरे को इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, देख रहे हो आप, तो स्वेटिंग मेरे को बहुत होती है। फ़िलहाल अपना ही घर है, साफ़ करने में कोई बुराई नहीं है, झाड़ू लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरे को कोई शर्म है, बस एक दिक्कत यह है, ये बाथरूम है, इसके अंदर एक मरा हुआ कबूतर पड़ा है, पता नहीं बचा बेचारा कैसे अंदर गया और कैसे मर गया, उसे निकलवाना है, जिसकी स्मेल बहुत गंदी है, वो मैं नहीं कर पाऊँगा, जो मैं नहीं कर पाऊँगा मैं बता रहा हूँ, तो वो मैं भैया से करवाऊँगा, वरना मैं इसे निकाल के कहीं गाड़ देता, पर टीम उससे नहीं होगा अभी, क्योंकि स्मेल वो सड़ चुका है और स्मेल आ रही है, और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है कभी कभी, तो ये नहीं हो पाएगा, बाकी कड़वा उसे देंगे निकलवा के। मिलते हैं आगे ब्लॉग में, साफ़ सफाई देखना आप लोग। यार यही है मेरा ब्लॉग का, पता है मेरे ब्लॉग का यही है कि ये काम करना, वो काम करना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, घर की सफाई करना, तो मैं बेसिकली बंदा हुआ ही बंदा हूँ जो ये सारे घर के काम करता है, ये सच बात है भाई, घर के लिए राशन लाना, घर का साफ करना, और ये यही सारे काम है भाई, अपनी लाइफ ऐसी कुछ है, मुझे मज़ा आता है इस लाइफ, आई लव इट। सो अभी हम आए हैं जलेबी खाने, क्योंकि आज भैया का बर्थडे है, पीछे खड़े हुए हैं, तो जलेबी खाते हैं, और दही मैंने ऑर्डर करा है, दही आ रहा है, दही के साथ जलेबी खाएंगे। तो ये आ गया हमारा दही, घर पे आ चुका हूँ, और अब मैं पानी भर रहा हूँ भैया के लिए जो ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए बॉटल थी नहीं, तो इस बॉटल में भर दे रहा हूँ, 2-3 बार भर के दे दूँगा ठंडा पानी, तो भरते हैं भैया को पानी देते हैं, फिर ऊपर काम कराते हैं उनके साथ साथ। भैया काम कर रहे हैं अभी, लो अरे पी ले पी, मार साले का खोपड़ी तोड़ दे। पी लो। सो वी आर ड्राइविंग, और स्कूबी को पहली बार गाड़ी, मतलब गाड़ी में बिठा ला, ये बैठती नहीं है कभी, तो देखो अभी कितने शांति से बैठी हुई है, और विंडो सीट से सर बाहर करके आराम से बाहर के नज़ारे देख रही है। सो अभी जा रहे हैं नए वाले घर पे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है, मैं दिखाता हूँ वहाँ पे क्या काम चल रहा है, मतलब
बैड बैड का थोड़ा सा। स्कूबी बैठ जाओ। वो भी घर में घूम रही है, सारे रूम्स जाके देख रही है किसका रूम में कैसा क्या है। अच्छा लग रहा है इसको भी। ये देखो गाइस, सारी ये सोनाली जी के रूम में आके देख रही है कैसा है। अंदर बाथरूम में जाओ, बाहर लॉबी है, दिखाएं आ जाओ। देखो ये देखो, स्कूबी ये बट देख के आराम से आ जाओ, आ जाओ जाओ। नहीं नहीं नहीं, वहां से जीना नहीं है, इधर से आ जाओ, इधर आओ। आ जाओ स्कूबी, इधर आओ, इधर आओ, चलो।